मैंने जब से होश संभाला था तभी से एक्टर बनने का भूत सवार था। हम चेंबूर में रहते थे, वो मेरे पिता उस समय के आसिफ को मुगल आजम में असिस्ट कर रहे थे। फिर बाद में वे प्रोड्यूसर बने तो प्रारंभ से ही घर में फिल्मी माहौल रहा, इसलिए प्रारंभ से मेरा रुझान फिल्मों की तरफ रहा। मैं घंटों आर के स्टूडियो के बाहर खड़ा रहता था व सोचता रहता था कि कैसे अंदर जाऊं। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे उनसे कई बार अंदर जाने की मिन्नत करता था। वह दौर भी एकदम अलग था। आर के स्टूडियो के अंदर जाना ही एक बड़ा खूबसूरत एहसास होता था। मेरे पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कभी प्रयत्न नहीं किया। उनकी फिल्मी जगत में बहुत लोगों से जान पहचान थी, उसके बावजूद मैंने इतना लंबा सफर तय किया, उसमें मेरा प्रयत्न व मेहनत है। चेंबूर में आर के स्टूडियो के बाहर घंटों खड़ा रहना ही तब बड़ी बात थी। हम एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, वहीं से मेरा प्रयत्न प्रारंभ हुआ। पिताजी जब के आसिफ को फिल्म मुगल आजम के लिए असिस्ट कर रहे थे तभी मैंने दिलीप कुमार को देखा था। उनका व्यक्तित्व मेरे दिल को छू गया। इसके अतिरिक्त राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर साहब से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। फिर देवानंद साहब का दीवाना रहा, मैं उनसे भी बहुत प्रभावित रहा। उनका हर फनमौला अंदाज मुझे बहुत भाता था। इन्हीं दिग्गजों को देखकर बड़ा हुआ व उनको हमेशा से अनुसरण किया। मेरा प्रारंभ से यही मानना रहा है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा कार्य मिलेगा। मैं जिनके साथ रहा भी वे सब अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सारी यादें हैं मेरे बचपन की। जैसे मैं व बोनी बहुत लड़ा करते थे व वे अक्सर मुझे पीट दिया करते थे। मैं मांस खाने के बाद घर से भागकर स्कूल के मैदान में चला जाता था। हम दोनों में आयु का ज्यादा फासला नहीं है तो भाई से ज्यादा हम दोस्त जैसे हैं। मेरे व बोनी के बीच बहुत झगड़े हुआ करते थे। उनका मुकट जब मेरी पीठ पर पड़ता था तो बहुत दर्द होता था। इसके बाद मैं नाराज होकर स्कूल के मैदान में बैठ जाया करता था व फिर वे मुझे मनाने आया करते थे। बोनी का मेरे करियर में काफी सहयोग है। मेरे व बोनी के बीच का रिश्ता भाई से बढ़कर है। मेरे एक्टर बनने में शशि कपूर साहब का भी सहयोग है। कॉलेज में एक प्ले में भाग लिया था। उस फंक्शन में शशि कपूर साहब चीफ गेस्ट थे व मुझे बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी उन्हीं के हाथों मिली थी।